अरे पहुंच गए हम अपना दूसरा घर। उसको भी खींच ले उसके साथ ही। दादा क्या हो गया? मछली है। अरे भाई बड़ा मछली यहाँ पे देखो एक। उरा उरा अरे अरे बड़ा बड़ा जल्दी ला जल्दी ला जल्दी ला। ओ भाई, ओ भाई। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ राजेश मंडल, ये है तुषार मंडल, ये है टिंकू जिया जिया और है लाला भोला का लाला लाला मंडल। तो गाइज आप लोगों को तो भाई टाइटल थंबनेल सबसे पता चल गया होगा हम लोग कौन से वीडियो में जा रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो ये जो होल ट्रैकिंग है ना जितना तक लोकेशन तक पहुँचने तक गोप्रो में काइंड ऑफ ब्लॉग जैसा बनाते हैं, क्योंकि रास्ते में हम लोग 3 घंटे के ऊपर लग ही जाएगा, पानी वानी पी के ये वो करके मजा मस्ती करके जाएंगे, सारा कुछ शेयर करते हैं। तो भाई एक वीडियो तो हम लोग का फ्लॉप हो चुका है जो कि आप लोग अब तक नहीं देखे होंगे। इससे पहले एक भयानक मछली के जगह पे गया था वीडियो बनाने के लिए, मछली मिला नहीं बोल के वो अभी वो वाला कैंपिंग ग्रुप कैंपिंग होल्ड पे रखा हूँ, बाद में कभी अपलोड कर लेंगे। अभी फिलहाल ये जबरदस्त वाला ग्रुप कैंपिंग आप लोग एंजॉय कीजिए और हम लोग यहाँ पे ज्यादा बात ना करके आगे चलते हैं, क्योंकि सामने बहुत रास्ता बाकी है, गर्मी भी भयानक है। ठीक है चलो चलो चलो। अब तक हम लोग नदी किनारे पहुंचे नहीं है, जंगल के रास्ते हैं। एक बार नदी किनारे पहुंच जाएंगे तो थोड़ा बहुत हवा भी चलने लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। हमें पता नहीं नदी में कितना पानी होगा, बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऊपर से गाइज आज मेरा तबीयत भी ख़राब है, मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ, एनर्जी थोड़ा कम दिख सकता है, लेकिन कोई नहीं एनर्जी आ जाएगा जब तक पोजिशन तक पहुँच गए ना, नेचर के क्लोज पहुँच गए अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या देख रहे हो? मछली है वो क्रैब तो दिख रहा है नीचे, बड़ा स्नेक हेड, बड़ा या छोटा? चलो चलो मछली, अच्छा खासा इंडिकेशन मिल रहा है स्टार्टिंग से ही, नहीं कि आगे बहुत मछली मिलने वाला है। चलो और गाइस ये रहा हम लोग फाइनली नदी किनारे पहुंच गए और नदी में ज्यादा पानी नहीं है। तो सोचो याद करो हम लोग को लास्ट टाइम जब कम पानी में कितना भयानक मछली मिला था। अभी एक और तब पानी साफ था। हाँ तब पानी साफ था, अभी पानी गंदा है और ऊपर से बारिश का टाइम है तो नदी में मछली ज्यादा रहेगा। और इस बारिश के टाइम में जो छोटे छोटे ऑर्डर रहते हैं उसके ऊपर भी मछली चढ़ते है। हाँ पूरा तो वहाँ पर भी हमें मछली मिल जाएगा। वाह वाह तो कम पानी में नहाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखो हवा शुरू, नहीं नदी किनारे पूरा पहुंच गए, नदी के बीचे बीच आसपास और शुरू। मस्त नज़ारा है ना, ज़्यादा पानी जब रहता है ना गाइस तो ये वाला सबसे डिफिकल्ट जगह है, ऐसे करके इधर से ऐसे ऊपर से होके फिर जाना पड़ता है, क्योंकि पानी ना यहाँ से बहता है, यहाँ से पानी बहता है पूरा। अभी तो यहाँ पे आराम से इधर से जा सकते हैं। क्या हो गया रे, क्या हो गया? क्या यहाँ पे, यहाँ पे नहीं बैठते, आगे जो पानी जहाँ पे मिलता है ना प्यास लगी है वहाँ पे जाकर आराम से 5-10 मिनट रेस्ट लेते। ठीक है ओके आर्मी मजा, ओके मजा। चलो आगे पानी की जगह, ज्यादा दूर नहीं है शायद पानी की जगह, आ रहा है ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, वहीं पे बैठते आराम से पानी पीते है, बस यही पे सामने ही है गाइस।
पानी पानी ये रहा गाइस, चलो ये सब यहाँ पर ही रखते हैं। हाँ क्योंकि पानी नहीं पीने सब चला नहीं। देखो सारा सामान इधर, बोतल कहाँ है? टिंकू बोतल देख, इसको फेंक रहे, गर्म हो चुका है। मैं तो भाई सामने से बनने वाला हूँ, शावर है वहाँ पे। हमेशा रहता है ये देखिए। हेलो, तुमको देते हैं पहले। थैंक यू। सुकून बोला क्या, मछली चेक करने क्या है? ये पानी जाके सीरा नदी से कनेक्ट हो रहा है। मेरे को थोड़ा मिलेगा टिंकू? बढ़िया, भोला को प्यास नहीं लगी है क्या? क्या लोकेशन है भाई, हर टाइम ये जगह उतना ही जबरदस्त लगता है जब पहली बार जैसा लगा था। नहीं और वो रहा गाइस हमारा केव, जिसके अंदर हम लोग शायद दो दिन, शायद तीन दिन या चार दिन बिताने वाले हैं। चलो भाई, छाव चाहिए छाव। अरे ये पहुंच गए हम अपना दूसरा घर, आशियाना। अरे देखो यहाँ पे कचरा, कौन लोग ये आते हैं मछली पकड़ने आते हैं और कचरा करके जाते हैं। नहीं हम लोग इस बार ना सारा क्लीन करके लेके जाएंगे, वहाँ पे भी क्या कचरा पड़ा हुआ है पूरा पॉलिथीन के अंदर, पूरा सारा क्लीन करके लेके जाएंगे हम। ठीक है चलो, उसको भी खींच ले उसके साथ ही। कितना मस्त हवा, सुकून भाई, यही तो चाहिए था भाई। तो चलो आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं, है ना? रेस्ट ले लेते। आज लगता है बहुत जल्दी पहुंच गए नहीं हम लोग, ऐसा लग रहा है। नहीं गर्मी बहुत कम था ना, बस एक ही जगह पे रुके हो पानी पीने के लिए। लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे यहाँ पे जो हवा चल रहा था, लेकिन हवा में इतना गर्मी था। हाँ इस सिस्टम नहीं है, लेकिन अभी इधर कोई टेंशन नहीं, ठंडा 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 कूल कूल, टेंट लगाना नहीं है कुछ भी नहीं है, बस लाया ना सब बोलने के लिए। तो गाइस के बाद तो भाई रेस्ट लेते लेते सब थोड़ा बहुत सो गए, लेकिन पता नहीं मेरा हालत क्या, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेटर होने की जगह और भी खराब होते होते जा रहा है। ट्रिप खत्म होते होते मेरा मतलब अस्तित्व बचेगा कि नहीं नहीं पता, वैसे ही लग रहा है, देखना ही पड़ेगा, लेके नहीं जा सकते। तो चलो अभी जल्दी से एरिया को क्लीन कर देते हैं, रेस्ट तो हो गया प्रॉपर, अभी किसी को कोई टेंशन नहीं। एरिया को क्लीन कर देते हैं बढ़िया से, हमारा किचन रेडी कर देते हैं। एक एक चीज क्या है ना, कैंपिंग में आके किचन जो बढ़िया एक रहता है रेडी कर दो, मजा आता है, वो रेडी करते हैं।
ये जो मैट वगैरह है सारा बिछाते हैं, बैठते हैं क्योंकि भूख लग गया है सबको। ठीक है, एक ड्रिंक का प्लान है, मस्त है एक ड्रिंक, उसको बनाएंगे, उसके साथ बिस्किट वगैरह जो भी लाए अभी फिलहाल के लिए वो खाते हैं, उसके बाद आगे बहुत कुछ है। ठीक है, बने रहिए। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो का सीरीज आने वाला है इसमें आप लोगों को ऐसा एक जबरदस्त जबरदस्त जगह लेके जाएंगे, एक वाटरफॉल है भाई, कोई नहीं देखा आज तक, आज तक वाला वाटरफॉल कोई नहीं देखा है। ठीक है ना, मेरे वीडियो में जो जब भी आप लोग देखे उसके अलावा थोड़ा बहुत, इस बार पूरा अच्छे से वो वाला वाटरफॉल को पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा एक्सप्लोर करेंगे, मजा आएगा। बस होप करता हूँ मेरा तबीयत सही रहे। चलो चलो चलो, इस बार हम लोग का खाने का सामान तो इस बार कुछ है ही नहीं ना, नहीं। पूरा डिपेंड करके आए पूरा इसके ऊपर, नहीं जंगल के ऊपर बहुत ही कम सामान है खाने का, सबसे बड़ा कैंपिंग। अगर आप लोग वीडियो में पहले ध्यान नहीं दिए हो कि मैं बोला हूँ ऑलरेडी, बता चुका फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे जो देख रहे एक चूल्हा बना हुआ था, यहाँ पे भी एक चूल्हा बना हुआ है। जो लोग पहले मेरा वीडियो नहीं देखो, पहली बार देख रहे हो ये वाला वीडियो, उन लोगों के लिए ये जो चूल्हा हम लोग बनाए थे और यहाँ पे जो चूल्हा बना हुआ था, ये यहाँ पे मछुआरे लोग कभी कभार आते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो लोग बनाए थे शायद। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जबरदस्त वीडियो है, देखा। सब काम करके तुम लोग थोड़ा सो जाते, कितना और मजा आता, आराम से ऐसा मजा आता है कि मैं देखो शाम तक सो रहे सब। चलो खाने का इंतजाम करते हैं, स्नैक्स आज हम बनाएंगे भाई, लेमोनेड बनाएंगे, वो भी क्या रू अफजा लेमोनेड। रू अफजा कहा है, रू अफजा लेमोनेड बनाएंगे। बिरयानी के टाइम में लाते नहीं हो दुनिया देख के बिरयानी का मन कर रहा है, नींबू काटा है ना, काटा नींबू में नमक है या बोला, इतना बड़ा बड़ा नींबू कैसे नहीं बोला है, पानी नहीं है नींबू के अंदर, नदी में है ना, मोदी का पानी नहीं सोलेगा, सोलेगा रे बाबा, नींबू का पानी सही है। रू अफजा मीठा लगता है या क्या, मीठा ही, चीनी का थोड़ा बहुत फ्लेवर है, कलर बड़ा मजा है। और उसके साथ भाई ये है हमारा थोड़ा केक और बिस्किट वगैरह, भूख लगा है हल्का फुल्का थोड़ा मैनेज करने के लिए, उसके बाद शाम को बढ़िया एक आइटम बनने वाला, बढ़िया मतलब ऐसे माहौल में मजा है। चलो बस इसमें एक चीज की कमी है, बर्फ दे देता तो फिर मजा आएगा, यहीं पे रखो गाइस। ये जो जितना भी पॉलीथीन वगैरह है सारा हम लोग इकट्ठा करके पास रखेंगे और जाते वक्त आप लोगों को दिखाएंगे कितना कचरा इकट्ठा हुआ है और आसपास का पूरा क्लीन करके लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपना कचरा अपने पास फिलहाल के लिए यहाँ पे रखते खाने पे कौन सा।
मछली बढ़े इसको खाने के बाद आराम से बकरा काम शुरू करेंगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। भूख जो लग रहा था ऐसे डूबा के खाने का कैसा लगा तो गाइस अभी चलते हैं पानी लाने के लिए एक वाटर स्ट्रीम है बगल में और मुझे लग रहा है वहाँ पे डेफिनेटली क्रैब तो होगा ही। अगर क्रैब हुआ तो पानी भरेंगे उसके साथ थोड़ा क्रैब हंटिंग के लिए पूरा जंगल की तरफ चलेंगे अंदर तक, है ना, मजा आएगा। फिर रात का खाना क्या भी बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, क्योंकि आज रात को खाने के लिए भाई चावल लिए उसके साथ क्या है पता नहीं जंगल देना। अगर नहीं दिया तो भाई बैठे रहो, सिर्फ चावल ही खाना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलो चलते वो नीचे एक बैठ है, अगर मच्छर काटता है तो क्या? हाँ मच्छर को क्यों मारते हो, उसका जीवन नहीं है क्या? इधर आ रहे हो, चला इस तरफ चलते जंगल की तरफ। को पानी का आवाज सुनाई दे रहा होगा, ये पानी पूरा प्योर पानी होगा। कितना बड़ा? ये देखो क्रैब एक यहीं पे मिल गया आते ही, छोटू सा। ये छोटा क्रैब यही सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। गया? ये भाग गया, गड्ढा के अंदर घुस गया। अरे ऊपर गंदा मत करो, मशीन आ जाए। पानी तो हो गया, भर लिए, अभी बारी है क्रैब पकड़ने का। चलो इसी तरफ ऊपर की तरफ मिला। और क्या चाहिए, यही साइज का चाहिए। आज तो रात को फिर कोई टेंशन नहीं, भूखा नहीं रहेंगे हम लोग। बस बस निकल गया, निकल गया। उरा उरा रहा, इस साइड दिख रहा है, दिख रहा है। पकड़ो पकड़ो लो, चल। अरे लो, बैग कहाँ है? पकड़ा दिया, छोड़ दिया। तो पूरा फ्रेश क्रैब है सब, नहीं देख के पूरा लग रहा है, मतलब अच्छा अच्छा खासा खानदान का है। दूल्हा बिल्हा पूरा वाइट, रॉयल खानदान से। हाँ रॉयल खानदान से। और क्रैब भी थोड़ा बहुत मिला है, ठीक है ना, तो रात को हो जाएगा उससे काम चलाओ। ऐसे नहीं हिला के दिखा भाई, रात का हो गया डिनर का बंदोबस्त, अब टेंशन नहीं। अभी क्या करेंगे भाई, आराम से ये जो बढ़िया नजारे को, ओ बोल देखो ना, अभी से मतलब ऐसा धुआं धुआं टाइप का दिख रहा है, फॉगी फॉगी। हाँ तो बढ़िया जो सनसेट है उसको एंजॉय करने वाले, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करके कार्ड्स वार्ड खेलेंगे, थोड़ा प्याज के पकौड़े बनाएंगे। अभी यहाँ पे नहीं, आराम से बीच में जाएंगे, वहाँ पे बैठ के वहीं पे बनाएंगे, खाएंगे और वही पे ही सो लाएंगे, शाम को एंजॉय करेंगे। और उसके बाद जाकर इंटरेस्टिंग काम बाकी है, जो पकोड़े खाने के बाद हम लोग करेंगे क्या, नेट फिशिंग, ठीक है ना। मैं एक नया नेट खरीदा हूँ, ठीक है ना, जो कास्टिंग नेट वाला,
नया खरीदा हूँ भाई। ये लोग एक बार ट्राई करके आए है, एक मछली मिला है ना, इतना बड़ा सा एक मछली मिला है। तो उसके आज रात को भाई किसने कुछ नहीं तो दो तीन घंटा तो फिशिंग करेंगे, पैसा वसूल तो करना ही है। उसके बाद जाकर अगर रात का खाना जो बनाएंगे बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले फिलहाल के लिए इतना तो करते एंजॉय करते हैं, ठीक है। और इस बीच क्या करेगा, भोला बोल रहा है एक तो जो छोटा छोटा नेट है ना वो डालने वाला है। तो बोला सर लाला बोला चलो वो छोटा नेट डाल के आते फिर जाएंगे। आलू ले लो ले लो। यहाँ पर डालने जा रहा है नेट, नहीं आज के लिए तो मुझे थोड़ा पानी को अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि आज रात को अगर डुबो लिया ना तबीयत खराब हो जाएगी। आज मैं बस ऊपर ऊपर से वीडियो करूँगा, हम लोग एंजॉय करना और क्या। तो यहाँ पे ये नेट और वो और एक दूसरा दोनों नेट यहाँ पे डाल दे। और कोई बड़ा वाला नेट डालोगे क्या कुछ बोला? अभी मैं क्या बोल रहा था, जब शाम को करेंगे तब डाल देंगे, अभी पकौड़े भी तो खाना है ना हमको। तो खाना तो है लेकिन यहाँ पे जो मछली देखे हैं देख गए हैं। बैठो किस खेलते मिलेगा टेंशन मत लो। एक्चुअली आज का जो एनवायरनमेंट मौसम है पूरा परफेक्ट है ना पकौड़े के लिए। टाइमिंग भी सही है, नींद आ रहा है, सोना है मुझे। गलत बात है टिंकू, हम अकेले काम कर रहे तब से। मेरा नहीं तेरा, 1 2 3 4 तेरा था, 1 2 3 4 तेरा। ओ क्या कर रहे हो? खाएंगे? नहीं 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 मेरे लिए चलो। ऐसा मत करो मेरे काम।
सो गाइस हम लोग अपना पकोड़े खा के थोड़ा कार्ड्स खेल के यहाँ पे पूरा लेट गए थे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त लग रहा था, पूरा शाम ढला, आसमान में जो पूरा टिमटिमाते हुए तारे एक एक करके आ रहे थे, ऊपर से ठंडा हवा, पूरा भयानक ठंड लग रहा है, नीचे से पूरा गर्माहट, पत्थर का गर्माहट, तो भाई इतना ज़बरदस्त लगा। और ऊपर से भोला ने पूरा पुराना गाना लगा दिया था भाई, वो सुन सुन के हम लोग पूरा आधा घंटा आराम से रिलैक्स, कोई बात नहीं कुछ नहीं, बस ये नेचर को एंजॉय कर रहे थे। और अभी बारी है भाई, 7 बज गए, बारी है सबसे इम्पोर्टेंट काम का, दिखाओ दिखाओ भाई, नेट कास्टिंग करने जा रहे हैं। आप लोगों को याद है लास्ट वीडियो में नेट कास्टिंग में हम लोग बहुत सारा मछली मिला था, इस बार पता नहीं, देखते क्या होता है। ठीक है चलो चलते हैं मछली पकड़ने, आ जाओ। देखो मछली मिले कि ना मिले उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मज़ा आता है वो सबसे बड़ी बात है। अगर वो आपने नेट डाला हुआ है और नेट के नीचे एक मछली है, उसको पानी में उतर के पकड़ने में तो मज़ा है, लेकिन वो इस बार नहीं होगा क्योंकि पानी गंदा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है ना। हाँ पहली बार तो आपसे पकड़े थे। चलो गाइस नेट तो पहला डल चुका है, देखो अंधेरे के टाइम में, मतलब अंधेरे में ही नेट मारना पड़ेगा, तो नेट डालते बाद। हाँ हाँ जुकाम नहीं होता तो इस बार भी मैं भी उतर जाता यार, देखते एक भी मछली फंसाएगी नहीं इसमें। एक मिला। अरे भाई साहब ऐसे हर एक बार एक एक मिलता रहे तो और क्या ही चाहिए। और तीन चला गया ना, ये बोला था चार। अरे भाई ये तो मस्त मछली है रे, बटा महाशय जो भी हो भाई, मैंने बोला था चार मिलेगा, तीन मछली चला गया। अरे भाई भाई नेट जो भी खरीदा गया मस्त नेट है, नहीं धोखा नहीं, इस साइज का मछली तो सही है। गाने मत देना, चलो चलो रखो, पहली बार एक मिल गया, हर बार में एक एक मिल जाए तो मजा आ जाएगा, बस वही वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हर बार एक एक मिल जाए। सेकंड कास्टिंग हुआ है अभी, इसमें तीन। अटक गया, हर बार नेट फंस ही रहा है, तो ऑप्शन है नहीं, फंसेगा ही। और लग रहा है इस बार कुछ नहीं मिलेगा इसमें, इतना फंसा है तो कैसे रहेगा मछली, चांस नहीं। और ये जो नेट है इसमें सिर्फ बड़ा मछली मिलेगा, छोटा मछली का कोई चांस नहीं। हम लोग का तीसरा कास्टिंग है, हम लोग को मछली मिला लेकिन हम लोग को दिखा नहीं था, तुषार बोला बाहर से अटक हुआ, बाहर से। अरे भाई चलो वहाँ पे एक मारोगे क्या, मेरे को लग रहा है वहाँ पे मछली होगा शायद, मारू मार के देखो, क्योंकि वहाँ से पानी आ रहा, लोग ऊपर जा नहीं पाएंगे, और यहाँ पे भी मारे शायद हो सकते हैं, छोटा सा एक मार दो। मेला मतलब ये नहीं हुआ प्रॉपर, अरे अरे निकल गया, अरे एक मछली निकल गया, छोटा साइज का था लगता है, एक निकल गया, फंसा कुछ भी, चले आगे की तरफ, यहाँ पे गलती से एक भी पैर इधर उधर हुआ ना फिर दिक्कत। गाइस ये रहा हमारा 5वां कास्टिंग, और इस बार पूरा नदी के किनारे मारा गया है, यहाँ पे जो जैसे जगह पे मारा गया यहाँ पे मछली मिलना चाहिए, मछली है। चलो चलो कहीं निकलना, बोला ना जो जगह है। अरे भाई बड़ा मछली यहाँ पे देखो, एक कितना बड़ा बड़ा मछली है रे, एक ही मिला और एक निकल गया क्या? नहीं, वो गिर गया। अच्छा भाई देखो, बोला ना यहाँ पे मछली होना चाहिए, वो जो जगह था जैसा, एक ही मिला और निकल गया होगा, ऐसे ही मिलता रहे भाई, मजा मजा आ जाए, इसमें इसी साइज का ही आएगा, छोटा मछली आएगा, कितना मस्त साइज का मछली है। अरे भाई नदी का हर मछली खाने में मस्त लगता है, साइज देखो, चलो डालो, हजवा तो मजा, ये परफेक्ट नेट है, ऐसे ऐसे जगह पे मारना पड़ेगा जहाँ नदी का बहाव है
पानी रुका हुआ है ऐसे जगह पे, समझ रहे हो? थोड़ा दिल गार्डन 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 हो रहा है। देखिए ये हमारा छठवा कास्टिंग यहाँ पे हुआ है। मिला कुछ? दिखा दिखाओ। अरे अरे भाई, अरे वो कितना मस्त बड़ा साइज का, रुको रुको जूम करते, इतना दूर से दिखेगा नहीं। मस्त है। हाँ दिखा दिखा, चलो। अरे भाई ऐसे ही मिलता रहा, और क्या चाहिए? नहीं टिंकू, टिंकू कहाँ पे बैठ गया? देखो गाइस मजा आ रहा है, मस्त मजा आ रहा है। तो भी चलेगा हाँ। अरे भाई नेट ही तो ऐसे है ना। अबे देखो वहां पे मारा है ना, यहाँ पे भी होगा। हम लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? ये हमारा सातवा क्या क्या, एक जाली के अंदर उछला और एक निकल गया, छोटा वाला। छोटा वाला एक निकल गया जाली के अंदर, तो एक मछली कूदा। हाँ उड़ा उड़ा, अरे अरे बड़ा बड़ा, चल दिला चल दिला चल दिला। ओ भाई ओ भाई, सारा चला गया। ओ भाई पहली बार जिंदगी में, पहली बार कास्टिंग नेट से इतना सारा मछली निकल गया। भाई तुम लोग ये मछली देखे थे कूदते हुए? इतना बड़ा मछली तू, ये तो बोल रहे थे इतना सा, दिखाई दिया निकल गया। हम लोग इतना चिल्लाए, सारा मछली गया, भाग गया यहाँ से जितना था। साहिल देखो नीचे से निकलना चाहिए था, आधा किलो तो ज्यादा होगा। भाई क्या पावर है मछली का, 700 ग्राम के आसपास मेरा हाथ कटने वाला था नेट से, इतना पावरफुल है। चलो भाई अभी बोल रहा था ना, एक किलो के मछली में जाए सक्सेसफुल बोला ना, देखो इसको नेट को किस किया भाई, तुम जबरदस्त नेट भाई। दे दो अभी। गाइस कैसा लगा? ये मछली के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है, एक लाइक एक कमेंट बनता है गाइस। आगे हम लोग और क्या क्या नहीं, कल भी पकड़ने वाले है रात को ऐसे। चलो पैसा वसूल, क्या अभी रिटर्न है और चले रिटर्न चलो देखते हैं, डिसाइड करते आगे जाएंगे या घर जाएंगे। घर जाके क्या करेंगे वे? मतलब घर मतलब अपना अभी फिलहाल नहीं, आशिया में जाए या फिर क्या? निकालो, अरे चलो निकालो। हाँ हाँ चलो ऊपर जाके। भाई साहब ए ए ए क्या कर रहे हो बे? भाई कोई पकड़ो ना मेरे, अरे रुक रे, अब थोड़ा दिखाते हैं ना अच्छे से। भयंकर भाई देखो, भयंकर ये इसका भाई देख लेके पकड़ रहे हो? नहीं इसके अंदर ही पकड़ेंगे। इसका वजन कितना होगा? ये क्या हो गया, कोई दूसरा मछली इसको अटैक किया है? नहीं तो यहाँ पे फिर और बड़ा मछली। अरे अरे भाई दूसरा कूद रहा है, ये देखो बहुत बड़ा मछली है। सो गाइस हम लोग मछली पकड़ के आ गए। ये मछली मिलने के बाद सिर्फ एक ही बार कास्टिंग हुआ है रिटर्न आते वक्त, उसके बाद लाला बोला सब बोले नहीं रहने देते। हम भी सब सोच रहे चलो मिल तो गया, आज रात का खाने का बंदोबस्त हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है कल का कल देखेंगे। और कल में बहुत मेहनत करना है तो इसलिए अभी फिलहाल क्या करते हैं, बढ़िया से जाते इसको क्लीन व्लीन करते हैं, आराम से खाना बनाते हैं। तो चावल घर से लेके आए थे, कल तो टोटली जंगल के ऊपर डिपेंड है। जला दो अंधेरा, मिटा दो ओ हो हो हो, आया भाई लगा दू दू। Thank you.
लास्ट टाइम याद है यहाँ पे आए थे आपके पास बैठने में ही भाई अभी साल चार बार आपके पास चलो कोई टेंशन नहीं मस्त एक काम करो टिंकू तुम कटिंग वटिंग सब करो मैं तब तक मछली का अभी डिसाइड हुआ है कि फ्राई करके बनाएंगे तो फ्राई करने के लिए इसको नॉर्मल हल्दी और नमक से थोड़ा मिक्स कर देते हैं पहाड़ के ऊपर जंगल के पास देखो कौन आया मैं नहीं जा हथौड़ी डिंग 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 मछली भी फ्राई हो चुका है बढ़िया से पूरा कड़क फ्राई ज़्यादा ही फ्राई कर दिया क्या देखो गाइस कितना जबरदस्त दिख रहा है तो गाइस चलो यहाँ पे बढ़िया हम लोग का जो मछली जितना है सारा फ्राई हो चुका है और उसके साथ साथ एक दो छोटा आलू है उसको भी फ्राई कर लिया हूँ क्योंकि मछली के करी के साथ डालूँगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा तो चलो जल्दी से यहाँ पे हम लोग आके खाना बनाते हैं और ये जो रेसिपी है ये मम्मी घर पे हमेशा बनाती है मतलब मुझे मस्त लगता है हमेशा तो नहीं मुझे अच्छा लगता है वाला रेसिपी जब भी बनाती है सबसे तो पहले थोड़ा जीरा डाल दें और ये जो ऑनियन को है ना गाइस मतलब पूरा फ्राई नहीं करना है बढ़िया से इसको बस मेल्ट करवाना है नरम नरम हो जाएगा इसके लिए अभी से मैं नमक डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दो हल्का पूरा नरम हो चुका है पूरा ग्रेवी डाल देते हैं बाकी मसाला जिंजर गार्लिक पेस्ट तो फ्राई हो चुका है हल्दी क्यूमिन पाउडर ए मिर्ची कहाँ है मिर्ची पाउडर इस मिर्ची पाउडर आग तो कोई लगाओ इतना धीमा आग जल रहा है आप लोग देखते हो काला का हाल बोला भी उसे ब्लैंकेट में घुसा हुआ था अभी वो गया ठंड इतना भयानक है यहाँ पे चलो अभी टमाटर डाल देते हैं टमाटर बहुत ही ज्यादा काट इतना सब डाल दो इतना खट्टा हो जाएगा पूरा डाल दो चलो इसके अंदर भी डाल देते पानी ये पूरा हो गया है चाहिए और चाहिए पानी तो उबल चुका है
इसके अंदर भी डाल देते हैं हमारा बाकी सारा सामान। देखो पोटैटो फ्राई किया हुआ, उसके साथ ये जो ताज़ा फ्रेश इतना सारा मछली, मछली से तो भर गया रे कढ़ाई छोटा पड़ गया आएंगे दबा के आज नहीं हम ये करीब करीब होने को है, ठीक है ना है। तो इसके ऊपर से थोड़ा और हरी मिर्च डाल देते हैं, बढ़िया सा एक फ्लेवर आएगा और ये मिर्ची खाने में भी अच्छी लगेगी। गरम मसाला तो ठंडा हो गया रे। क्या हो क्या चावल तो बन चुका है और ये दोनों मतलब नींद से नहीं सोए, ठंड के लिए सोए ओढ़ के, इतना ठंड लग रहा है भयानक। और हम जा रहे हैं पानी लाने क्योंकि पानी खत्म हो चुका है, मुझे भी लग रहा है जुकाम जो था, तबीयत खराब था, वो और बढ़ने वाला है कल सुबह होते होते लग रहा है। कोई झमेला नहीं कुछ नहीं, मतलब ऐसे पूरा ये बना हुआ है, दिख जाता भाई आए है रात को। हाँ चावल भी बन चुका है और फिश करी भी बन चुका है। उसको देखो लाला को, तो तुम मेरे पे बैठ जाओ आ जाओ अरेंज करते हैं। गरम चावल और ये गाइस देखिए कितना जबरदस्त दिख रहा है नहीं मछली का करी। चलो परोस लेते हैं। पहले मछली शुरू करते हैं ना, छोटा वाला पहले। ये तो बहुत ही टेस्टी होगा। पापा ये बड़ा मछली का, चावल के लिए एक मिर्ची आलू उसके साथ एक मछली। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के सब्जी कैसा बनाए बताओ। थोड़ा तो मतलब ग्रेवी और थोड़ा घटाना चाहिए था मेरे हिसाब से। चावल के साथ थोड़ा मिक्स करके
नदी नदी का मछली है। सही ठीक है, मतलब घर में जिस टाइप का बनता था उस टाइप का बना नहीं अलग ही, लेकिन ठीक है मछली खा के ट्राई करते थे। मछली का टेस्ट तो पूछो ही नहीं, तो भयानक टेस्ट होगा वो भाई, पूरा गजब ना। क्या टेस्ट है भाई, पूरा नदी का फ्रेश मछली। ये मछली इतना टेस्टी, अगर इसको प्रॉपरली बढ़िया तरीके से बना के खाए रहे क्या ही और गजब नहीं लगेगा। छोटा मछली का स्वाद भाई ये तो और गजब है। छोटा मछली ये वाला क्या गजब टेस्ट लग रहा है। चलो आराम से खाते हैं। नमक चाहिए तो चावल थोड़ा कम पड़ जाएगा शायद सब्जी की वजह से। मछली इतना टेस्टी है, इतना मछली होने के बाद भी लग रहा है कम हो गया। कल खाएंगे दबा के मिलेगा तो। हाँ क्या लाला बोला, कल मिलेगा ना। इस वीडियो का आज पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि कल सुबह हम लोग क्या करने वाले हैं, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे पूरा जो वाटरफॉल जो है उसमें भयानक मस्ती करेंगे, फिशिंग नेट डालेंगे, मछली पकड़ेंगे, क्रैब पकड़ेंगे, उसके बाद जंगल एक्सप्लोर करना है बहुत कुछ। पर कल पूरा दिन भर वो वाटरफॉल में हम लोग बिताने वाले हैं। यहाँ से पूरा मतलब सब कुछ नहीं, सामान नहीं, थोड़ा बहुत सामान गैस वगैरह लेके चले जाएंगे, वहाँ पे जाके फिर बाकी काम करेंगे। भाई पूरा मज़ा आने वाला है कल, देखिएगा भयानक वाटरफॉल है, तो बने रहिए पूरा एंड तक, भयानक शायद इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा हमारा जो जितना भी 3 वीडियोस रहेगा या फिर 4 बन जाए पता नहीं, सारा देख लेना ज़बरदस्त रहेगा। और भाई अब तक अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ, जो लोग के साथ आप लोग ऐसा एक कैंपिंग ट्रिप बनाना चाहते हो, रात में जंगल में बिताना चाहते हो, ऐसा मस्ती मजाक करना चाहते हो, फिशिंग करना चाहते हो जिन लोगों के साथ, उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर करो, ठीक है। और बोलो कि देख भाई ऐसे ही जाना है, चल जल्दी से प्लान करते और निकलते, ठीक है। तो चलो अभी चलते हम सब सोने।